वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हम आए हैं ड्रीम सिटी में, ड्रीम सिटी बालापुर हैदराबाद, और आज बताएंगे गोट फीड वगैरह की डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम। फिर से अली भाई, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सुजात भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुजात भैया, आपकी कंपनी का नाम? अबू डाइट कंपनी है, फीड की कंपनी है कम्प्लीट। अबू डाइट गोट फीड जी। तो ये सिर्फ गोट फीड सप्लाई कर रहे हैं आप? जी हाँ, अभी गोट फीड सप्लाई कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले हरी पत्ती से, और वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अंदर वेट गेनर भी है, डिटेल्स के साथ बताऊंगा मैं। ये देखिए अब स्टॉक, इससे पहले बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक भी बतलाया था मैं, फ्रेश सारा खत्म हो गया, सोल्ड आउट हो गया। ये एंडिंग स्टॉक है और इसके लिए भी कस्टमर रेडी है। आप ये देख सकते हैं लोडिंग के लिए पैसेंजर ऑटो है, और भी एक ऑटो है, ये भी खत्म हो जाएंगे, न्यू स्टॉक आने वाला है। स्टार्ट करेंगे हरी पत्ती से, जो हमेशा बतलाते अपन। जैसे हरी पत्ती है, डबल फिल्टर वाली है। हाँ, डबल फिल्टर है। तो क्या रेट वगैरह रख रहे हैं आप? अभी तो वही पुराना रेट चल रहा है, जैसा रेट अप डाउन होते रहता, तो कुछ फर्क आया? पहले अपन 35-40 रुपीज सेल कर रहे थे जी। जैसे कि 50 किलो से ज्यादा लेंगे तो 35 से दे रहे थे अपन जी, और 50 किलो से कम लेंगे तो 40 रुपए से दे रहे थे। अभी 30-35 है, 30-35 है। बिलो 50-35 रुपीज, अबव 50-30 रुपीज। अच्छा, इनकेस अगर कोई जैसे मसलन बढ़ के ले रहे हैं, अगर 500 केजी या 1 टन ले रहे हैं, तो क्या रेट पड़ेगा? देख लेंगे अपन जब पहले, और नेगोशिएबल कर देंगे उसके अंदर। अच्छा सुजात भाई, एक कंप्लेन जैसे दो फार्म से ये आ रही थी, इसके अंदर बारीक कांटी आ रही जैसे मैं बतलाता हूँ इसके अंदर, तो इसकी वजह थोड़ी सी डिटेल बतलाइए। ये है जैसी, ये देखिए अब ये जो कांटी है बहुत बारीक है जी हाँ। लेकिन एक दो लोग बोले इससे भी प्रॉब्लम हो रहा बोल के। इससे प्रॉब्लम नहीं आता है उमर भाई जी। इसमें क्या होता है, बगैर फिल्टर की जब होती है तो उसमें बड़ी कांटी आती है और बड़ा काड़ी आता है उसमें। अच्छा, काड़ी और कांटा बड़ा आ जाता है उसके अंदर, आता है उससे प्रॉब्लम आता है। ये बारीक कांटी से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता बोले यहाँ जी। ये कांटी इसलिए आती है, झाड़ी कांटी का है ये। अच्छा, झाड़ी कांटी का है जी हाँ, तो इस वजह से कांटी आती है इसमें बराबर, कंपलसरी है। अगर फिल्टर भी करेंगे तो पत्ते के साथ में काड़ी निकल के आएगी वो। अच्छा, तो इससे कोई चुभने करने से नुकसान नहीं होता? इससे कुछ नहीं। अच्छा, जानवर आसानी से खा लेते हैं उसको? ठीक है। और ये नेक्स्ट, ये तुअर का भूसा है, हैंड कटिंग में है। ये तुअर का भूसा है, हैंड कटिंग के अंदर है जी। हैंड कटिंग है, आप देख सकते हैं पूरा जी, डस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है जी। इसके अंदर तुअर वगैरह की दाल भी आती है? पूरा डस्ट है, ये छिलके रहेंगे इसके साथ, छिलका रहेगा तुअर का भूसा। अच्छा, तो ये क्या रेट रख रहे हैं आप? ये 20 रुपीज रहेगा। 20 रुपीज जी। इसको देने का फीड का तरीका क्या है? ये नॉर्मल डायरेक्ट डालने का रहता है, मतलब हरी पत्ती में मिक्स करके डालना है साथ में, अलग अलग मिक्स करके भी दे सकते हैं आप, डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट ये भी। तो कितना देना पड़ेगा? एक अप्रोक्सीमेटली 40 किलो की बकरी है, 40 किलो की बकरी रहेगी तो बहुत हो गया, वो 1 किलो खाएगी, 1 किलो भी नहीं खाएगी दिन भर में जी। चलिए, इसके बाद है मकई। मकई तो खैर स्पेशली है, इसके फायदे बहुत ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा है। इसके फायदे बताने की जरूरत भी नहीं है अपने को, बिल्कुल बिल्कुल, जो जानकार है वो जानता है आराम से, बिल्कुल बराबर। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप, जैसे चिकनाहट आती है जानवर के अंदर और शाइनिंग आती है एक अलग से, मकई से फायदे अच्छे हैं। मकई भी, लेकिन गर्मी के टाइम पे थोड़ी कम डालना पड़ेगा ना? नहीं है, गर्म भी होती ना ये जी। हाँ, गर्मी के टाइम पे थोड़ी सी क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, जैसे आप 250 ग्राम दे रहे हो तो 200 ग्राम देना कटिंग करे हुए पीसेस है। हाँ, कटिंग में पाउडर मकई के, हाँ बिल्कुल पाउडर नहीं है। और क्या रेट रख रहे हैं आप इसका? तुअर के भूसे का रेट बताइए पहले। तुअर का भूसा 20 रुपीज पर के जी, 20 रुपीज पर के जी है जी। हाँ, और वेट गेन होगा उससे भी? वेट गेन तो नॉर्मल फीड है, नॉर्मल फीड है। अच्छा, नॉर्मल फीड है, दूध के लिए अच्छा। और ये वाला मकई का जो दाना है, ये कैसा रहेगा? मकई का दाना आपको 35 रुपीज पर केजी रहेगा, 35 रुपीज पर केजी। अगर ये भी क्वांटिटी में लिया तो रेट कम हो जाएगा इसमें भी। हाँ, इसमें भी नेगोशिएबल रहेगा क्वांटिटी में लेंगे। अब आते हैं जो स्पेशली वेट गेनर की बात थी, ये वेट गेनर है, इस पे भी बात करेंगे हम। सबसे पहले ये क्या है? ये प्रोटीन, सुजात भाई प्रोटीन ब्लॉक है। हाँ, प्रोटीन ब्लॉक जैसा आप, तो इसको क्या करना पड़ता है? हैंगिंग करके लटका देना पड़ेगा, करके लटका देना पड़ेगा, जैसा नमक खाते हैं बकरी जी, ये भी वैसे ही खाए। अच्छा, इसको भी चाटते रहते लगा देने से तो कैल्शियम आता है इससे? कैल्शियम है, प्रोटीन है ये जी। तो ये क्या रेट का है? ये 140 रुपीज है, 140 फिक्स है इसका जी। हाँ जी। और ये काला नमक है? ये काला नमक है, ये ब्लैक सॉल्ट है। अच्छा अच्छा, जैसे पहले पीसेस आते थे उसको हैंगिंग करने प्रॉब्लम होता था, तो अभी ब्लॉक्स आ जा रहे हैं इसके? अभी वो भी आएगा,
वो भी इंशाल्लाह ताला भी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मल्टीपल दो भी मिल जाएंगे आपके पास अवेलेबल? अपने पास तो ये दो भी अलग अलग वेरायटी में कैल्शियम और नमक दो भी 140 रुपीज। 140 रुपीज पर केजी। चलिए, पर केजी है या पर ब्लॉक है? ब्लॉक। तो 1 केजी का ब्लॉक है ये? 1 केजी से बढ़ के रहता है। अच्छा, तो पर ब्लॉक का रेट 140 है। चलिए, अब आएंगे इसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा उठा ले यार, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसमें आपको कोई चीज एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि प्रोटीन के इंजेक्शन दिलाते हैं, कैल्शियम के लिए सेपरेट देते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा मीन्स एक सवाल ये, अगर अपन ये दे रहे हैं तो हरी पत्ती या तुअर का भूसा, मक्के, ये सब देने की जरूरत ही नहीं है? इसमें आपको यही देना है, वो देते हुए ये देना, ये ऑल इन वन है। अगर आप ये दे रहे हैं जी तो दूसरा आइटम देने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन घास वगैरह वो तो कंपलसरी है ना, घास देना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। अगर घास नहीं तो हरी पत्ती दे लेना। हाँ, वो तो कंपलसरी है, वो डाइट तो देना पड़ेगा ना जी। ये एक्स्ट्रा एक फीड है उसके लिए, जैसे कि इसमें आपको जौ मिल जाएगी जी, जौ है इसमें। आपको जौ है, मकई है, चुन्नी है, चने का छिलका है जी। इसमें आपको हर चीज वो मिल जाएगी जिससे प्रोटीन चाहिए बकरी को और वेट गेन करने के लिए। हाँ, गेहूं रहेगा आपको, टोटल A to Z आइटम। अच्छा, ये कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है? ये अबुडाइट की मैन्युफैक्चरिंग है, यानी आपकी सेल्फ अबुडाइट कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। तो इससे वेट गेन कितने दिन में कितना हो सकता आपको? अगर ये कंटिन्यू देंगे डाइट ये जी, तो हार्डली आपको 15-20 डेज में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कितना आएगा वेट में फर्क? ऑलमोस्ट आपको एक 5 से 6 किलो तो समझ में आ जाएगा। 5 से 6 तक समझ में आ जाएगा, 5 केजी पर मंथ विद इन 15-20 डेज, 15 से 20 दिन में। एक एग्जाम्पल, 1 महीने के अंदर 8 से 10 किलो गेन हो जाता, 5 किलो तक बढ़ सकते हो। 15 डेज में फर्क हो रहा है ना भैया? जी हाँ, 15 से 20 दिन में 5 किलो तक का फर्क समझ में आ जाता। तो 1 महीने में 10 किलो हो जाता। हाँ, चलिए इंशाल्लाह। तो ट्राई करके देखिए आप लोग, ये स्पेशली वेट गेनर है और मल्टीपल ग्रेन्स के साथ में। आप देख सकते हैं इसमें मकई भी है, जौ है और गेहूं है, तुअर का भूसा भी मिक्स है इसके अंदर, सारी चीजें हैं। भूसा नहीं है इसमें, तुअर का भूसा नहीं है, चना, चना है। अच्छा, चना है, चने का भूसा रहेगा, चने का छिलका रहेगा उसमें, तुअर का छिलका रहेगा जी जी जी। ये क्या रेट है? ये आपको 40 रुपीज रहेगा। 40 रुपीज पर केजी है। तो मिनिमम स्टार्टिंग कितना लेना बेहतर है? आप एक सजेस्ट करिए, यानी आपके पास का प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का, तो ट्राई करने के लिए, एग्जांपल टेस्टिंग के लिए मिनिमम कितना लेना बेहतर है? 5 किलो जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो एक बकरी के लिए एक दिन में कितना लगता? एक दिन में 1 किलो भी नहीं लगेगा। अच्छा, 1 किलो भी नहीं लगता था? एग्जांपल 5 किलो लेना चाहिए ना? हाँ, तो 5 किलो लिए आप, मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि सिर्फ एग्जांपल है चेक करने के लिए। 5 किलो 10 किलो ले सकते हैं पर डे, 800 ग्राम जाएगा एक तो 5 दिन में, करीब 6 दिन में 5 किलो लग जाता है। 5 किलो लगेगा, तो 5 किलो ले लिए तो टेस्टिंग करने से मालूम हो जाता है, 1 हफ्ते का रिजल्ट भी बेहतर रहता। बराबर, वेट करके देख सकते हैं आप। 1 हफ्ते में अगर 1 किलो का भी वेट गेन हो रहा तो आप लोग फिर परचेस कर सकते, ज्यादा क्वांटिटी में रेट्स भी थोड़ा बहुत कम हो जाएंगे। ये देखिए, स्टॉक यहाँ का खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट जो स्टॉक आएगा स्टॉक के साथ फ्रेश, फिर एक अलग से वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।